पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। 15 फरवरी को लुईस खुर्शीद को पूछताछ के लिए बुलाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ये तार इस मामले के लुईस खुर्शीद तक भी पहुंच चुके हैं। अब उनसे भी अब जानकारी जुटाई जाएगी, पूछताछ की जाएगी। समन जारी हो चुका है। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, विस्तार से जानकारी मामले पर। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने लुईस खुर्शीद को पूछताछ का एक समन भेजा है और 15 फरवरी को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। और ये जो पूछताछ की जो तमाम प्रक्रिया होगी वो लखनऊ में होगी। और लुईस खुर्शीद के खिलाफ जिस तरह से आरोप जो लगा था वो आरोप बेहद पुराना है और जिस तरह से बकायदा दिव्यांगों के लिए जो आर्टिफिशियल अंग उपकरण होते हैं उससे जुड़ा हुआ, एक एनजीओ से जुड़ा हुआ एक पूरा कनेक्शन मामला था। हालांकि ये केस तकरीबन साल 2012 में ये सामने आया था, लेकिन इस मामले में साल 2016-17 के बीच में कई एफआईआर रजिस्टर्ड हुए थे। तकरीबन 16-17 एफआईआर जो है वो इस मामले में रजिस्टर्ड हुए थे। उसके बाद इस मामले पर हाल फिलहाल में ये कुछ नए इनपुट्स जो है निकल के सामने आए, उसके बाद इस मामले को ईडी ने इस केस को टेक ओवर किया और टेक ओवर करने के बाद इस मामले में आगे की तफ्तीश शुरू की है। और जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पुराना केस जो है जिस तरह से इसमें कुछ नए इनपुट्स निकल के सामने आए थे, तो अब इस मामले को आप खंगाला जा रहा है। और इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए यूपी के फर्रुखाबाद से पूर्व कांग्रेस विधायक लुईस खुर्शीद जो उनको पूछताछ का समन भेजा गया है। और अगर लुईस खुर्शीद की अगर बात करें तो लुईस खुर्शीद जो है वो कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की पत्नी है। और ये देखने वाली बात कि वो पूछताछ के लिए पहुंचती हैं कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका शंकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।